हेलो दोस्तों, नेचुरल होम ब्यूटी में स्वागत है। आज हम आप लोग के लिए एक ऐसा फेस पैक लेकर आए हैं कि जो आपके जो मुहासों के दाग धब्बे होते हैं या पुरानी से पुरानी झाइयाँ हो उसको भी रिमूव करने में ये फेस पैक 100% आपको काम करेगा। हाँ, लेकिन ये होम रेमेडी है तो धीरे धीरे काम करेगा, ये तुरंत असर नहीं दिखाएगा। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि आपको इसे एक दिन गैप करके लगाना है। हाँ, एक दिन गैप नहीं करके लगा सकती आप किसी भी वजह से, तो आप हफ्ते में लगाइए। तो झाइयाँ और रिंकल पिंपल्स के जो दाग धब्बे होते हैं बहुत ही जिद्दी होते हैं, इतने आसानी से जाने वाले नहीं हैं। अगर आप कोई क्रीम वगैरह लगा रही हैं, इसको कोई दवा लगा रही हैं, तो आप उसे लगाते रहिए और इस फेस पैक को भी लगाएंगी तो आपका जो जो झाइयाँ और दाग धब्बे हैं उसको रिमूव करने में डबल काम करेगा। तो इन सब जैसी समस्याओं के लिए एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत होती है। तो आज हम जो आपको फेस पैक बताने वाले हैं उसमें आपको कुछ ज़्यादा झंझट नहीं करना है, बिल्कुल ईजी है। तो आप उसके लिए क्या चाहिए, आपको फ्रेश मिल्क चाहिए, ताज़ा हो सके तो और अच्छा है। अगर आपके पास ताज़ा नहीं है तो आप ठंडा मिल्क ले सकती हैं। हाँ, आपको ध्यान देना है कि गुनगुना या गरम मिल्क नहीं लेना है। और इसमें हम मिलाएंगे मसूर दाल का पाउडर। मसूर दाल का पाउडर, वो जो ये छिलके वाला मसूर के दाल का पाउडर मसूर दाल होता है, उसको हम मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके एक स्मूथ इस तरह पाउडर बना लेंगे। ये मसूर दाल का पाउडर है, तो इस पाउडर को हम दूध में डाल के एक स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। इस फेस पैक को बस इसमें कुछ भी नहीं डालना है, बस यही डालना है और इसको मिला के कुछ इस प्रकार का पेस्ट बना लेंगे कि बहुत ज़्यादा ना गाढ़ा हो ना बहुत ज़्यादा पतला, आपके चेहरे पे अच्छे से चिपक जाए। तो रिंकल्स पिंपल्स, ये जो झाइयाँ होती हैं, ये पोल्यूशन और काफ़ी टेंशन आदि लेने के कारण हो जाती है। तो इनका निजात पाने के लिए हमें एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए आज ये फेस पैक हम लेकर आए हैं। आपको शायद पता होगा कि यहाँ पर मुझे दिख रहा है थोड़ा झाइयाँ, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा झाइयाँ हो गई थी, तो मैं जो मेडिसिन है उन सब का प्रयोग करते हुए इन फेस पैक को भी यूज करती हूँ, तो इसका रिज़ल्ट मुझे काफ़ी अच्छा मिल रहा है। तो इसलिए मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग के अगर इसे आजमाएंगे तो आप लोग को खुद ही फर्क नज़र आएगा। तो मैं इस फेस पैक को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। यदि आपके स्किन पर इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है और आप इस फेस पैक को लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। और इस फेस पैक को लगाने से एक बहुत बड़ी बात तो ये है कि आपके चेहरे को फेयर भी करता है, आपके कलर को फेयर करिएगा। इस तरह का पेस्ट हमने तैयार किया है। तो अगर आप इस पेस्ट को बना रहे हैं, ज़्यादा भी हो जाए तो आप फ्रिज में स्टोर करके 2 दिन तक रख सकती हैं और लगा सकती हैं, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, हर कोई लगा सकता है। तो अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इस प्रकार हम लगा लेते हैं। पूरी स्किन पे अच्छे से चेहरे को कवर कर लेंगे। अगर आप इस फेस पैक को लगा रही हैं, अगर रात में सोने से पहले लगाती हैं तो बहुत ही अच्छा असर पड़ता है, क्योंकि आप सोएंगी तो आपको बारी कोई हवा नहीं लगेगी, धूप नहीं लगेगा, तो सीधा आपके डायरेक्ट आपकी स्किन पर ही असर करेगा। तो आपका ये समझिए कि अगर आप दिन में लगाती हैं, दिन की अपेक्षा रात में अगर लगाती हैं तो उसका रिज़ल्ट आपको 15% ज़्यादा मिलेगा। यही नहीं, कोई भी फेस पैक अगर आप रात में सोने से पहले लगा के फिर उसके बाद साफ करके कोई मॉइस्चराइजर क्रीम या नाइट क्रीम लगा कर सोती हैं तो उसका असर काफ़ी अच्छा होता है। हाँ, इससे संबंधित अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट के द्वारा आप पूछ सकते हैं, अगर कुछ भी आपको डाउट है तो। इस तरह हम अच्छे से पूरे चेहरे को कवर कर लेंगे। तो
तो आप देख सकते हैं हमने इतना ज़्यादा बनाया है, तो ये आज के लिए ही नहीं है, ये 2-3 दिन तक चलेगा। तो हमने बताया आपसे कि आप इसको स्टोर करके फ्रिज में, बाहर नहीं, रूम के टेम्परेचर में नहीं, फ्रिज में रख के 2-3 दिन इसे यूज कर सकती हैं, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं। तो ठीक है, हम इसको 10 से 15 मिनट तक सूखने देंगे। हाँ, लेकिन एकदम से सुखाना नहीं है, बिल्कुल कड़ा नहीं करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई भी फेस पैक सूख जाता है तो आपकी स्किन टाइट हो जाती है, आप बोल नहीं पाते हो, स्किन खिंचता है, तो स्किन खिंचना भी जो है हमारे स्किन के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि स्किन खिंचने से आपकी स्किन पर झुर्रियाँ आ जाती हैं, तो झुर्रियाँ अच्छा नहीं होगा। आपका फेस पैक थोड़ा गीला ही रहे, उसमें थोड़ा पानी लगा के सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए आप अपने फेस पैक को उतार लें। यही फेस पैक नहीं, हर फेस पैक पैक को उतारने का ये अच्छा टिप्स है। हाँ, तो दोस्तों हमने फेस पैक को साफ कर लिया है, अभी हमने पोछा ही नहीं है, तो हम पोछते इसलिए नहीं है कि आपको लगेगा कोई फेमस क्रीम लगा ली हूँ। तो आप देख सकते हो कि कितना फेयर चेहरा दिख रहा है, पहले से ज़्यादा दिख रहा है। हाँ, आपको दाग धब्बे तुरंत नहीं दिखेंगे साफ होते, उसको दाग धब्बे, कोई भी दाग धब्बा होता है तो उसको जाने में थोड़ा टाइम लगता है, और तो आप इसे रेगुलर लगाएंगे तो आपके दाग धब्बों में भी आपको फ़र्क नज़र आएगा, लेकिन आप फेयरनेस तो एक ही बार में आपको दिखेगा। तो ये मसूर की दाल स्किन के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, इसकी बहुत सारी कंपनियां क्रीम भी बनाती हैं, और होम रेमेडी में इसकी क्रीम भी बनती है। अगर आप चाहते हैं मसूर दाल की क्रीम तो आप मुझे कमेंट द्वारा बताइएगा, मैं आपको क्रीम भी जो है आपके साथ शेयर करूंगी। तो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू।